हेलो गाइस, सो गाइस 2 दिन पहले नया ऑक्सिनोस का अपडेट आया था, बीटा 8 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू फॉर आर पोकेमॉन। तो उसका इंस्टॉलेशन वीडियो प्लस आपको रिव्यू वीडियो है इसमें। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन का। जिस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नया देख रहे हैं। और एज ऑलवेज, अगर वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या क्या आपको फाइल्स यहाँ पे नेसेसरी है। आपका फॉर्मवेयर हो गया, वैसे एंड्रॉइड क्यू को भी फॉर्मवेयर आप यूज़ कर सकते हो, बट जो रिकमेंडेड है यार, वो जो डेवलपर यहाँ पे मेंशन कर रहा है उनके सामने एंड्रॉइड क्यू का भी फॉर्मवेयर पड़ा हुआ था, बट उन्होंने जो चीज़ यहाँ पे रिकमेंड करी वो 10.3.8.0 पाई का फॉर्मवेयर रिकमेंड करा, तो हमें वो हम यहाँ पे फ्लैश करेंगे आपका सिस्टम और आपका वेंडर। जो आपके कर्नल्स हैं एंड्रॉइड ओएस क्यू के, जो आपके NVT A, NVT B, NVT C, इसको हमने बाद में फ्लैश करना है जब हम सिस्टम में बूट करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, सो सभी यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर आप MIUI से आ रहे हो तो भाई क्लीन फ्लैश रिकमेंडेड है, वो तो डेवलपर ने आप चीज़ वो चीज़ मेंशन करेगी। क्लीन फ्लैश आपको करना पड़ेगा, मीन्स फॉर्मेटेड आपको करना पड़ेगा। सो एडवांस में गए, डेल्वी कैचे सिस्टम वेंडर, ये जो आदिल सर्वरी TWRP वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब यहाँ पे वेंडर शो रहे हैं तो सिंपल TWRP में वेंडर शो नहीं होता, वो चीज़ आपको ही पता है। तो डेल्वी कैचे सिस्टम वेंडर डेटा इंटरनल कन्फर्म टू फ्लैश, अगर आप MIUI से आ रहे हो देन ओनली सेलेक्ट इंटरनल स्टोरेज। एक ही बात है, आपको फॉर्मेट डेटा हो जाएगा, मतलब क्लीन फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री सेट फॉर्मेट, मतलब टोटल मिला के यह है कि क्लीन फ्लैश आपको करना ही है अगर आप MIUI से आ रहे हो। और वो तो अगर किसी रोम से आओ क्लीन फ्लैश करोगे तो आपका ही इसमें बेनिफिट है, आपको फिर कोई बूट लूप या स्टक लोगों पे आपको ये चीज़ फेस नहीं करोगे। तो प्लीज़ क्लीन फ्लैश करो, आपका ही इसमें बेनिफिट है। इंस्टॉल में जाना है, इंस्टॉल में जाने के जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले फर्मवेयर है उसको हमें यहाँ पे फ्लैश करना है, पाएगा 10.3.8.0 कन्फर्म टू फ्लैश। जैसे मैं अगर सबको रिकमेंड कर सकता हूँ कि क्यू का भी आप ट्राई करो, देखो क्या इम्प्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू आपका 10.3.8.0 टच रिस्पॉन्स पहले से सही है। वैसे टच रिस्पॉन्स के आपके पास कर्नल है तो एंड्रॉइड क्यू के फॉर्मवेयर की यहाँ पे रिक्वायर्ड है ही नहीं, लॉजिक है वो। तो फॉर्मवेयर यहाँ पे आपका फ्लैश हो चुका है, इधर हमने वेंडर सेलेक्ट करना है कन्फर्म टू फ्लैश। और हाँ, जिनका FTS डिस्प्ले पैनल है भाई, वो ABC कोई भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने MIUI की रिव्यू वीडियो में यही कहा था जो एंड्रॉइड क्यू की, कि भाई जिनका FTA डिस्प्ले पैनल है जैसे मेरा है, मुझे टच रिस्पॉन्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई यार। NVT को मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरा है नहीं डिस्प्ले पैनल, बट जिनका NVT का डिस्प्ले पैनल है उनको ABC एक एक करके एक एक दिन सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा ABC। तो उसके हिसाब से ABC में से कौन सा उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, कौन सा उनके सिस्टम पर ज़्यादा सूटेबल होगा, वही वो अपने सिस्टम पर रखेंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि भाई तीनों कर्नल्स उनको ट्राई करने पड़ेंगे ABC। ठीक है, यहाँ पे आपका आई मीन वेंडर भी यहाँ पे फ्लैश हो चुका है, अब यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है उसको इधर हमने फ्लैश करना है। सो आप पे डिपेंड है कि कौन सा भाई चूज़ कर सकते हो, बट मैंने जिनका FTA डिस्प्ले पैनल भाई मैंने यही चूज़ करा है। मेरा मेरा कॉपी मत करना, आपके जो ज़्यादा कन्वीनियंट है वही चूज़ करना, ABC वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी यूज़ आप चूज़ कर सकते हो जिनका FTA डिस्प्ले पैनल है। NVDT के लिए भाई तीनों ट्राई करना पड़ेगा एक एक दिन, ए पहले फिर बी फिर सी। यहाँ पे आपकी रोम भी फ्लैश हो चुकी है, यहाँ पे हमने कन्फर्म आई मीन रिबूट टू सिस्टम कर देना है। सो गाइस, ऐसे रिबूट टू सिस्टम भी कर सकते हो, एक बार रिबूट टू रिकवरी कराना ताकि आपका सब कुछ सिस्टम बैठ जाए भाई अंदर। मतलब कहने का मीनिंग ये कि एक बार हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, कहने का मीनिंग ये। सो अब यहाँ पे हमने रिबूट टू सिस्टम कर देना है, सब कुछ आपकी फाइल्स होगी। और जो मैंने आपके क्या बोलते हैं जो आपका कर्नल है, ये जब सिस्टम में बूट करोगे फिर आपने इसको फ्लैश करना, क्योंकि जो मैजेस इसमें हमें मैजेस भी फ्लैश करना नेसेसरी है, वो चीज़ डेवलपर ने मेंशन करी कि अगर हम मैजिक फ्लैश नहीं करेंगे तो जो आपका सिस्टम है वो बूट नहीं होगा। तो और वैसे इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई माइनस पॉइंट ये है कि पहले से ही मैजिक में इस सिस्टम में प्री इंस्टॉल है, एक तरह से हम कह सकते हो। तो हमें जब हम सिस्टम बूट करेंगे जब हमें ये कर्नल फ्लैश करना है, अभी नहीं। तो एक बार रिबूट टू हम सिस्टम कर लेते हैं, डू नॉट इंस्टॉल। तो फिर आपको पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, बूट लू फेस होगा अगर आप मैजिक फ्लैश नहीं करोगे। इस कर्नल को फ्लैश करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली रिकवरी में बूट होगा, ना कि सिस्टम में। तो बूट लू भी प्रॉब्लम आएगी और फोन भी आपका ऑटोमेटिकली या तो फास्ट बूट में जाएगा या रिकवरी में जाएगा। सो OS का यहाँ पे लोगो आ चुका है, अब हमने फोन को 50 सेकंड तक होल्ड रखना है और रिबूट टू एक बार सिस्टम कर देना है, अपने आप ही हो जाएगा वो तो होल्ड रख के। जैसे ही OS का आप लोगो देखोगे, 15 सेकंड तक प्रेस करा, छोड़ दिया। सो अब सक्सेसफुली आप बूट लोगों पे स्टक नहीं होगे जो है OS का। जैसे पिछली बार बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई थी, भाई हमारा बूट ही नहीं हो रहा है तो हमें बूट लू फेस हो रहा है, हम OS के लोगों पे स्टक है। तो अब वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। आपको 15 सेकंड तक जैसे OS का लोगो देखोगे, रिबूट पे ऊपर हमने सिस्टम कर देना है पावर बटन को होल्ड करके। अभी थोड़ा वेट करो, 5 to 6 मिनट्स, अपने आप सिस्टम बूट हो जाएगा। सो गाइस, रोम यहाँ पे आपके सक्सेसफुली बूट हो चुकी है और बहुत चीज़ यहाँ पे की उन्होंने एंड्रॉइड सिस्टम लेके जॉन पीटेंट कीप अस मोटिवेटेड। सो डिपेंड करता है गाइस, अगर आपको ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो,
ठीक है, तो यहाँ पे अब फटाफट गाइस इनिशियल सेटअप स्किप कर रहा हूँ, मिलते हैं होम स्क्रीन पे। सो गाइस सिस्टम में तो हम बूट हो चुके, अब बात है जो आपका कर्नल था उसको कैसे यहाँ पे फ्लैश करना है। फटाफट यहाँ पे दोबारा हमने रिबूट टू रिकवरी में जाना है गाइस, पावर ऑफ। सो गाइस रिकवरी में हम आ चुके हैं, फटाफट हमें जो हमारा जो कर्नल है उसको हमने इधर फ्लैश करना है, फिर मैजिक, फिर आपका फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मेट यहाँ पे फ्लैश कर लेते हैं। सो कर्नल को यहाँ पे आई मीन फॉर्मवेयर उसको फ्लैश कर दे 10.3.8.0 आपका ये रहा फॉर्मवेयर, पहले से फ्लैश है बट स्टिल गाइस। और अब बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई जब हम जैसे हमने सिस्टम बूट करा वहाँ पे मैस्क शो नहीं हो रहा था, भाई जो आपका फ़ोन है वो पहले से रूटेड है, बस आपने मैस्क को जो आपका मैस्क मैनेजर है उसको एपीके को आपने इंस्टॉल करना है, डेट्स ऑल। उसका वहाँ पे कोई इतना सीन नहीं है। फॉर्मवेयर यहाँ पे आपका फ्लैश हो चुका है, ये रहा आपका जो टच ड्राइवर आई मीन कर्नल, सॉरी टच ड्राइवर नहीं यार, ओएस एंड्रॉइड क्यू कर्नल एनवीटी टच ए की बात है। सो ये आपके इधर फ्लैश हो चुका है, इधर हमने जो हमारा मैस्क है दोबारा एक बार फ्लैश करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इट वॉन्ट बूट विदाउट फ्लैशिंग माई डिस्क। सो जो कहे सब कर्नल का प्रोसीजर था वहाँ पे डन हो चुका है, अब यहाँ पे हम रिबूट टू सिस्टम कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स रिव्यू की वीडियो यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आई मीन आपका रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा कि परफॉर्मेंस सब कुछ आपको मैं क्लेरिफाई करूँगा क्योंकि येस्टरडे से मैं इस रूम को चला रहा हूँ। लेट्स सी। और गाइस ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, जॉइन पैट्रन कीप अस मोटिवेटेड। तो उसकी जगह जो पहले आपको रहता था कि भाई कंपैटिबल नहीं है आपका सिस्टम सही से, उसको रिमूव करके ये सही एडिट करा उन्होंने। सो गाइस यहाँ पे सब कुछ आपका डन हो चुका है, मैच भी देख लो यहाँ पे आपका आ चुका है, जो आपका कर्नल था वो भी जो आपका टच ड्राइवर के हिसाब से एनवीटी के हिसाब से वो सब कुछ यहाँ पे आपका डन हो चुका है। वो तो गाइस आपने सेलेक्ट करना है टच ए टच बी टच सी, वो आप पे डिपेंड है, बट जिनका एफटी डिस्प्ले पैनल है यार वो तो कोई भी ट्राई करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फटाफट एक बार अबाउट सेक्शन में यहाँ पे चले जाते हैं, फिर आपका कर्नल 4.9 कर्नल है भाई, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना। सो गाइस आप रिव्यू की यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस बैटरी का सब कुछ पबजी का रिव्यू आपको इसमें इंक्लूडेड इंक्लूडेड आई मीन सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे फटाफट हम बात कर लेते हैं आपका जो एनडी टू स्कोर है उसके, मैं अभी आपको मैं दिखा देता हूँ जो उसका एनडी टू बेंच मार्क है वो भी ठीक है। देखो यार मैं लास्ट में एक चीज़ कहूँगा, देखो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस वाइज रोम में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है जो आप पबजी के हिसाब से अगर आप जो चीज़ देखना चाहते हो कि भाई बेस्ट है यार परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक चीज़ वहाँ पे आ जाती है कि भाई बैटरी बैकअप कैसा है उस रोम का विद पबजी नॉट विदाउट पबजी, विद पबजी के साथ हमें कितना स्कूटी मिलेगा। परफॉर्मेंस में आपको गीक बेंच 4 की भी दिखा आई मीन गीक बेंच 4 और एंड्रॉइड 2 के आप खुद देखोगे आपको कहोगे बहुत बढ़िया यार क्या बेंच मार्क्स आए क्या स्कोर आए, खुद देख सकते हो कि एंड्रॉइड 2 का 3.5 लाख का आपका बेंच मार्क आया जितना स्टॉक का था। परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक और इसमें, बट स्टॉक में गाइस बैटरी बैकअप है उतनी इफिशियंट बैटरी बैकअप है बट उतनी ओएस में है वो गाइस मैं अब क्या कहूँ फ्रेंड्स। हाँ अगर स्टॉक को बेटा 17 से मैं कंपेयर करूँगा तो है भाई बेटा 17 में ज़्यादा बैटरी बैकअप है एज़ कम्पेयर टू आपकी स्टॉक रोम, इवन एंड्रॉयड क्यू स्टॉक रोम की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट पाएगी। बट जो ये बेटा 8 का बिल्ड है उसमें इतनी कंपेटिबिलिटी है कि भाई वो स्टॉक के साथ टक्कर दे सकता है बैटरी बैकअप में, मुझे गाइस इतना लगता नहीं है, नहीं है उतनी इफिशियंट बैटरी बैकअप नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करते हो स्टॉक के साथ। परफॉर्मेंस वाइज ओएस बहुत आगे स्टॉक से, ज़्यादा आगे नहीं थोड़ा लिटिल बिट गाइस इंक्रीज है परफॉर्मेंस ओएस में, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो बहुत ऑप्टिमाइज है अगर आप गेमर हो गाइस। बट वही प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपके पास कोई वन प्लस का फ़ोन नहीं है और आप वन प्लस की जो रोम ऑप्शन है उसके किसी और डिवाइस पे आप रन कर रहे हो उसको और विद पबजी के साथ, उतना इफिशियंट आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, एक किसी से ही पूछ लो नहीं मिलेगा उतना इफिशियंट बैटरी बैकअप। बट जो आपकी ओएस वो ऑप्टिमाइज है परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्टिमाइज है, बट बैटरी को देखा जाए यार मुझे उतना इस रोम में इतना खास लगा नहीं। हाँ इंप्रूवमेंट हुई है अगर इसको ही आप कंपेयर करोगे एच वाई आपका जो न्यूयर का बिल्ड था एच एन वाई बिल्ड से कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बैटरी का ऑल्सो इंप्रूवमेंट है, मानता हूँ परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट है और बैटरी का भी इंप्रूवमेंट है, बट उतनी इफिशियंट नहीं है ठीक है। तो अब वो भी आपको आप लास्ट में बताऊंगा सब कुछ, इधर आपका इंटू 3.5 लाख का है। फटाफट हम गीक बेंच 4 की हम बात कर लेते हैं, गीक बेंच 4 भी ठीक है। मैं आप देखो यार अगर आप बेंच मार्क्स देखोगे ना और रेंडर स्क्रिप्ट देखोगे जीपीयू के आपको यार क्या परफॉर्मेंस, क्योंकि बेंच मार्क्स बहुत बढ़िया है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये तो सीपीयू के है, इधर से आप सिंगल स्कोर आईडी लगा रहे हो कि अप्रॉक्स
2,500 का आपका, 2,500 का आपका सिंगल स्कोर है, मतलब जो ओरिजिनल है वो है 2,2,4,6,1, और जो आपका मल्टी स्कोर है वो है 9,1,9,2, मतलब 10,000 रुपये का आपका, आई मीन यार 10,000 का आपका मल्टी स्कोर है। और यही गाइस जो मल्टी स्कोर था स्टॉक में समथिंग 8,000। मैं वो क्या कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस यार स्टॉक की इतनी खास, मतलब अगर हम कंपेयर करोगे ओएस और स्टॉक से, तो मानता हूँ कि ओएस की उतनी परफॉर्मेंस है, इतनी कैपेबिलिटी है कि भाई परफॉर्मेंस वाइज अगर टक्कर दे सकती है हमारी ओएस, बट बैटरी बैकअप में यार मैं इतना नहीं मानता। और अभी प्रूव आपको दिखा रहा हूँ यार, अगर आप दोबारा मेरी रिव्यू क्यूट देखोगे स्टॉक की एंड्रॉयड, क्योंकि उसमें आपका सिंगल स्कोर समथिंग 8,000 से लेके बिटवीन 8,500 है, इतना ही 8,000 है। और जो इस ओएस में गाइस, मतलब जो बीटा 17 भी ले लो, इतना ही ले लो, इतना ही आएगा, 9,000 के, 9,000 के करीब आपका मल्टी स्कोर आएगा, बट इसमें अप्रॉक्स 9,200 का, 10,000 करें सॉरी, 9,200 का आपका मल्टी स्कोर है, स्टॉक में 8,000 का था समथिंग, 81,8,200 के करीब। तो ये आपका गिगबंच हो गया। फटाफट यहाँ पे आपको जीपीयू की, सॉरी मैंने 10,000 का, 10,000 नहीं, 9,200, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे आपका जीपीयू की आपको जो रेंडर स्क्रिप्ट वो बता देता हूँ मैं, ये रही आपकी रेंडर स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की, लिखा है वो 14,000 की, वो सेम है, वो आपके एच एन वाई बिल्ड में भी थी, इतनी थी 14,100 करीब, बेटा 17 में भी इतनी है 13,000, हल्का सा स्लाइट 14,000 टच कर रहा है उसमें, पूरा 14 नहीं है बट हल्का सा 13,985 ऐसे ही कुछ है, बट इसमें पूरी 14,000 है। परफॉर्मेंस वाइज यार रोम बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट, सुपर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गाइस। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके पबजी रिव्यू की। पबजी रिव्यू गाइस, जो आप आज का भी जो इसमें वीडियो होगी, इसमें होगी जितना भी जो उसकी मैक्सिमम ग्राफिक्स है उस पर गाइस मैं सेट करके रखूंगा, और फिर मैं आपको यार आपको मैं रियलिटी शो करूंगा कि फ्रेम रेट कितना ड्रॉप हो रहा है, डिवाइस हीट हो रहा है नहीं हो रहा है, अब सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा गाइस। तो अभी तो FPS इतना ही 35, देखो यार जितनी भी मतलब मैक्स ग्राफिक्स में आपको कम से कम, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कह रहा है कि 35 से लेके बिटवीन 40 FPS आपको इजिली मिलेंगे, बट अगर आप उसको स्मूथ पे रखोगे तो आपको 60 FPS इजिली इजिली क्या, बहुत आराम से मिलेंगे भाई, बहुत आराम से। अरे यार बार बार इसी क्यों खुल जाता है, एक मिनट सॉरी, हाँ इधर जाना ना सेटिंग्स में, ये आपको ग्राफिक्स आपको मैं दिखा देता हूँ, हाँ जो मैक्सिमम ग्राफिक्स भाई HDR, फ्रेम रेट मैंने इसको अल्ट्रा पे सेट कर रखा है, अगर आप यही स्मूथ पे और जो आपका फ्रेम रेट है उसको एक्सट्रीम पे रखोगे तो 60 FPS आपको इजीली मिलेंगे, बट अगर आप HDR पे रखोगे और फ्रेम रेट को अल्ट्रा पे 35 बिटवीन 40 FPS आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो अभी वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, बट स्टिल सही है यार, अगर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना भाई, अगर स्टॉक में ही ग्राफिक्स में रखता था मुझे थोड़ा फ्रेम रेट ड्रॉप होता था, क्योंकि स्टॉक परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिमाइज है, बट इतनी नहीं जितनी अगर OS है आपकी, जितनी ऑक्सीजन OS जो आपका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी हम क्लियर कर देते हैं, एक मिनट। स्टिल देखो गाइज आपको 40 FPS तो ईजिली टच हो रहा है, जो एक थ्रेश होल्ड आप कह सकते हो, एक थ्रेश होल्ड है 40 FPS ईजिली टच होगा, जो इसके अगर आप HDR पर रखोगे, मीन जो आप इसके मैक्सिमम ग्राफिक्स जितना ये कैपेबल है 40 FPS आपको ईजिली मिलेंगे, और सही है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वो हल्का सा ऊपर नीचे होता है, बट 40 FPS आप खुद दे सकते हो ईजिली आपको मिले। टेम्परेचर आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, गेमिंग बोर्ड जो मैंने इसमें भी, हाँ CPU का गाइस जो आपका टेम्परेचर है वो 44 है, मेमोरी कंजम्पशन आपका 70% है, और जो आपका बैटरी का टेम्परेचर है वो 29 है। लेट्स सी देखते हैं जितना हम खेलेंगे इंक्रीज होगा नहीं होगा, अभी तो कोई भी गाइस हल्का सा भी हीट नहीं है फ़ोन पीछे से, विंटर में तो गाइस हीटिंग प्रॉब्लम किसी को नहीं आती है और वो आएगी भी नहीं, बहुत लोगों ने भाई विंटर में तो बहुत गाइस कम केसेस है, रेयर केस है कि किसी को भाई हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी वाइल प्लेइंग पबजी, मेरे को तो गाइस आज तक नहीं आई अभी तक गाइस, कुछ भी फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं है यार, ये चीज़ इसकी मुझे बहुत बड़ी लगती है कि यार जो ऑक्सीनोस की परफॉर्मेंस है ना, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ऑप्टिमाइज है कि भाई पबजी क्या बताऊँ यार, खुद दे सकते हो आप, कोई फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो हमने कर्नल जो टच ड्राइवर याद है ना, वो टच ड्राइवर नहीं जो आपका OS का क्यू कर्नल था, टच ए टच बी टच सी, उसकी वजह से भी थोड़ा यहाँ पे फर्क पड़ता है गाइस डिफरेंस। वो मेरा ना ही मेरा ही एयरप्लेन है सॉरी, अच्छा रखे हम। सो फ्रेंड्स ये भी चीज़ यहाँ पे नोटिस होती है कि भाई कौन सा कर्नल आप फ्लैश कर रहे हो, कौन सा फर्मवेयर आपने ले रखा है, कौन सा वेंडर आपने ले रखा है, ये चीज़ें भी सारी गाइस पॉइंट टू बी नोटेड होती हैं, बट अभी तक मुझे कोई फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं है, आप खुद देख सकते हो यार कुछ भी नहीं है, हल्का सा भी फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं है, हल्का सा भी आपका फ्रेम रेट स्टिल 13 and 40 FPS बना हुआ है, लैंड भी कर लेते हैं, कुछ नहीं है, आई मीन फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं है, कहने का मीनिंग ये है बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है यार ये तो। देखो ये बिल्ड में वही स्टार्टिंग से मैंने आपको क्या कहा था कि ऑप्टिमाइज है, परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप उतना एफिशिएंट होगा, अगर हम इसको कंपेयर करें स्टॉक रूम से,
मुझे गाइस उतना नहीं लगता कि बैटरी बैकअप में इम्प्रूवमेंट हुई है, मानता हूँ, बट अगर इसको ही आप कंपेयर करोगे ना बेटा 17 से, तो भाई बेटा 17 में थोड़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी बैकअप है अगर आप इस रोम को कंपेयर करते हो बेटा 8 को। हल्की सी अच्छी बैटरी बैकअप है, परफॉर्मेंस फिट है, बट मैं वही कहूँगा यार, अगर मैं चीज़ आपको रिकमेंड करूँ, मैं चीज़ रिकमेंड करूँगा, बट अच्छी चीज़ रिकमेंड करूँ तो भाई वो बेटा 17 होगी मेरे हिसाब से। रादर गाइज आप पे डिपेंड है, इधर से मैंने बात क्लियर कर दी, इधर से आप समझ जाओ। अभी देखा लैंड हुआ, कोई फेमस ड्रॉप नहीं, नहीं तो आप पीसी में भी चीज़ देखी होगी कि भाई अगर कुछ भी हम चीज़ मतलब लैंड होते कुछ भी करते, जो पीसी की पबजी है उसमें गाइस फ्रेम रेट कभी ड्रॉप होते, क्योंकि अगर हमारी उतनी पीसी की जो आपका सिस्टम है उतना अच्छा नहीं है, आपकी रैम आपका ग्राफिक कार्ड उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब सही से अच्छा आपने ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रखा है, रैम आपकी उतनी नहीं है, वो भी चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की वो भी यहाँ पे देखी जाती है, बट अभी तक कुछ भी फ्रेम रेट मुझे ड्रॉप नहीं हुआ है। और एक बार FPS भी आपका भाई 40 FPS मेंटेन रहेगा यार, वो तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बोला 35 40, अगर हल्का सा भी ड्रॉप होगा तो 35 भाई 40 41 40 40 इतना ही रहेगा, जो ठीक है यार 845 के हिसाब से। आपका टेम्परेचर भी देख लेते हैं, इंक्रीज़ हुआ है, सीपीयू का टेम्परेचर 46 है, मेमोरी कंजम्पशन 71 70 था जो 71 हो चुका है, और जो आपका बैटरी का टेम्परेचर समथिंग 22 25 था वो 31% हो चुका, मतलब टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, वो तो होगा यार, पबजी गेम भी तो बहुत हैवी है। अभी तक कोई फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं है भाई, बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी चल रही है, ऑप्टिमाइज है, कर्नल का फ़र्क है भाई, कर्नल का गाइज थोड़ा फ़र्क यहाँ पे पड़ा है, जो हमने वो फ्लैश करा था, आप ए भी चूज़ कर सकते हो, बट यार वो आप पे डिपेंड है, जिनका NVT है वो तो अच्छा होगा उनके लिए, उनको टच रिस्पॉन्स बढ़िया आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, टच फ्रीज नहीं होगा वाइल प्लेइंग पबजी, भाई बहुत लोग मुझे कहते हैं हमें प्रॉब्लम आती है टच की, तो उनकी इम्प्रूवमेंट होएगी। बट अभी तक गाइस आपके सामने ऐसा कुछ रियलिटी यार, कोई फेम ड्रॉप नहीं है, मैंने जो गाइस मैं जो कहता ना यार बहुत सोच समझ के फ्रेंड्स मैं कहता हूँ, और बहुत मैंने इसको मैं अप्रॉक्स 1-1.5 दिन से मैं इस रोम को चला रहा हूँ, और मैंने पबजी इस पर खेली, सब कुछ आपके सामने कि भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाइज यार रोम बहुत बढ़िया, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उतना यार अगर हम HNY को कंपेयर करें ना इससे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ये लाख गुना अच्छी है गाइस, बहुत लोग कह रहे थे भाई HNY बिल्कुल भी कंपेयर करना, तो भाई कंपेयर कर रहा हूँ, और परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए बहुत इंप्रूवमेंट दबा के इंप्रूवमेंट हुई है, बट बैटरी बैकअप में हुई है, बट यार उतनी इफिशेंट नहीं है, आपको उतना खास अच्छा मिलेगा नहीं गाइस SOT अगर हम कंपेयर करें इसको बेटा 17 से। वो गाइस मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको थोड़ी पबजी में आप ज़्यादा खेलते हो और आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए ना गाइस, तो आप बेटा 17 यूज़ करो, अगर आप ज़्यादा पबजी कभी कभार खेलते हो, ज़्यादा नहीं खेलते, नहीं तो गए मतलब थोड़ी पबजी खेली, I mean ज़्यादा पबजी नहीं खेलते, तो ये जो बिल्ड है ये आपके लिए सबसे परफेक्ट रहेगा, आपके लिए सूटेबल रहेगा, बट जो ज़्यादा पबजी खेलते हैं जिनको बैटरी बैकअप ज़्यादा थोड़ी रिक्वायर्ड है, तो भाई उनके लिए बेटा 17 सबसे बेस्ट रहेगा गाइज, ये मेरे हिसाब से मेरी जो ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो मेरा रिकमेंडेशन है, अदर गाइज आप पर डिपेंड है, वही मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, और अभी तक आपके सामने सब कुछ है, कोई फेवरेट ड्रॉप नहीं हुआ है, बहुत स्मूथ बहुत अच्छी चल रही है जो आपकी गेम है पबजी। बहुत सही है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ टेम्परेचर, हाँ 47 हुआ है, मेमोरी कंजम्पशन वही 31, बैटरी के टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, जो 31 था वो 32 33 हो गया अब के सामने, वो तो बढ़ेगा यार, वो तो ऊपर नीचे का भी होगा, डिपेंड करता है गेम कितनी हैवी है, हल्का सा पीछे से हीट भी है गाइस, हल्का सा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, पीछे से हल्का सा हीट हुआ है, FPS आपका भाई 40 मेंटेन हो रखा है 39, बट पबजी मुझे यार बहुत बड़े चल रही है, जब भी गाइस थोड़ा लंबा रिव्यू बना रहा हूँ पबजी का, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं भाई प्लीज़ पबजी का भी ऐड करा करो, सो गाइस डेट्स वाई अप्रॉक्स 7-8 मिनट की इसमें रिव्यू डाल रहा हूँ मैं पबजी का, और अभी तक बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है यार, इतना कभी अच्छा मुझे लगा नहीं किसी भी ऑक्सीनोस बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू पे, जितना इस बिल्ड पे लग रहा है कि पबजी कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी चल रही है, भाई मेरे लिए तो बहुत बड़े चल रही है, अब मुझे ही मत कहना कमेंट सेक्शन में हल्का सा भी फ्रेम रेट ड्रॉप हुआ, हल्का सा नहीं तो स्टिल और रादर सब कुछ परफेक्ट है, हल्का सा क्लिच तो नहीं कह सकते, वो फ्रेम रेट हल्का सा ड्रॉप होता है, फोन भी आई मीन हल्का सा हीट होना स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा नहीं हल्का सा, वो इसलिए कि आपकी जो गेम है वो थोड़ी हैवी है यार, आप मैं आईपैड पे गाइस खेलता हूँ, मेरा आईपैड भी थोड़ा पीछे से गर्म हो जाता है, वो गर्म का इतना गाइस रोया मत करो कि भाई फ़ोन हीट हो रहा है, फ़ोन हीट हो रहा है, मैं आईपैड पे खेलता हूँ, मेरा भी आईपैड हीट होता है जब मैं पबजी खेलता हूँ, वो तो गाइस हो कि गेम बहुत हैवी है, लॉजिक है वो होगा, वहाँ पे देखा जाता है कि फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब फ्रेम रेट ड्रॉप हो रहा है नहीं हो रहा है, गेम कैसे चल रही है, गेम स्मूथ चल रही है नहीं चल रही, ये चीज़ देखी जाती है, ना कि ये कि भाई हमारा फ़ोन हीट हो रहा है, पबजी खेल रही है, बैटरी
कंज्यूम ज़्यादा हो रही है, वो तो गाइस ये चीज़ें होएगी गाइस, क्योंकि अगर किसी भी हैवी गेम पे आप डिवाइस पे हैवी गेम खेलोगे तो आपका फ़ोन भी हीट होगा, आपकी बैटरी कंज्यूम भी ज़्यादा होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगा बैटरी का। बट अगर ज़्यादा कंज्यूम ना हो उसके लिए रोम को ऑप्टिमाइज बनाना पड़ता है, ये गाइस यहाँ पे चीज़ एप्लीकेबल होती है। और मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी ऑप्टिमाइज रोम है फॉर पबजी वो है आपकी बीटा 17, अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए। और जो कभी कभार जैसे पबजी खेलते ज़्यादा पबजी नहीं खेलते, उनके लिए बिल्ड सबसे बेस्ट बिल्ड है HNY, आई मीन यू HNY से भी अच्छा बिल्ड है ये आपका बीटा 8 का बिल्ड, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बिल्ड है उनके लिए। सबसे हिसाब से गाइस मेरे लिए सबसे बढ़िया बिल्ड है, और रादर मैं वही चीज़ कहता हूँ, आप पे डिपेंड है आपको क्या अच्छा लगता है, आपको बीटा 8 अच्छा लगता है जो आपका वाला बिल्ड है, या आपको बीटा 17 अच्छा, कभी अपनी भी सुनो फिर उसके बाद मेरी गाइस जो मेरी रिकमेंडेशन है वो भी आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हमें बीटा 8 बढ़िया लगता है। और आप क्योंकि आप भी अपने हिसाब से चलाओगे भाई, सब कुछ आप पे डिपेंड है यार। मैं तो अपने आपको जो मेरा सजेशन हुआ मैं आपको दे चुका हूँ, जो ज़्यादा पबजी खेलते हैं उनको अच्छी ज़्यादा थोड़ी और बैटरी कब चाहिए उनके लिए भाई बीटा 17 सबसे बेस्ट बिल्ड होगा। रादर जो कम पबजी खेले ज़्यादा मतलब ठीक ठाक कभी कभार खेल ली उनके लिए सबसे बेस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक है बट जो आपकी बैटरी बैकअप है ना यार वो उतनी इस बिल्ड में इफिशियंट नहीं है, मैंने वो चीज़ देख ली है। ये टोटल गाइस आपकी पबजी की रिव्यू वीडियो थी, फ्रेम रेट बहुत कम है मतलब ड्रॉप हुआ है, आपका जो FPS मेंटेन हो रखा था, टेम्परेचर भी आपका अप्रॉक्स 51 51 नहीं 43 44 इतना ही मेंटेन हो रखा था, हल्का सा फ़ोन हीट हुआ था, ज़्यादा हीट की नहीं कह रहा हूँ हल्का सा हुआ था, बट मेमोरी कंजम्पशन 71 था आपका, और जो आपका बैटरी का टेम्परेचर था वो 35 सेल्सियस। तो ये टोटल आपका पूरा कंक्लूजन था अगर हम इसमें पबजी का रिव्यू डालते, जो आपका मतलब पबजी का कैसे आपको परफॉर्मेंस मिली टोटल उसका रिव्यू था। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस वाइज की और बैटरी कब की, पबजी का मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, परफॉर्मेंस का तो मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था, अब बात कर लेते हैं आपकी बैटरी बैकअप। देखो गैस अगर आप पबजी के साथ आप खुद देख सकते हो मेरा फ़ोन फ्रेंड्स 51% था गैस, अप्रॉक्स 10 से 12 15 मिनट मैंने अभी तक पबजी वीडियो पूरी मैंने कॉन्सेंट्रेट करा है, और आप खुद देख सकते हो 46% रह गया, मतलब बैटरी थोड़ी कंज्यूम ज़्यादा हुई है। अगर एक स्टेबल रोम के हिसाब से देखा जाए तो बैटरी थोड़ी गाइस ज़्यादा कंज्यूम हुई है, वो भी चीज़ आप मानते हो, बट अगर यही बीटा 17 होती ना इतनी बैटरी कम से कम 6% 15 मिनट में कंज्यूम नहीं होती, मेरे से रिटर्न में ले लो आप ये चीज़, नहीं होती भाई 15 मिनट में आप 6 से 7% बैटरी ड्रेन हो जाए तो एक क्या SOT आएगा, SOT फिर आएगा पबजी के साथ 4.5 साढ़े 5 घंटे का, विदाउट SOT आपका आएगा विदाउट बहुत अच्छा SOT आएगा 6.5 साढ़े 7 घंटे का। और बीटा 17 में देखो HNY बिल्ड में भी पबजी के साथ 6.5 घंटे का SOT आ रहा था, इस पर भी इतना ही है, मैं जब मना नहीं कर रहा 4.5 से लेके 6.5 घंटे का मैं दे रहा हूँ, जो आपका बफर है इतना मैं आपको दे रहा हूँ कि सिक्स इतनी तो आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि 6.5 मैक्सिमम SOT आपको मिलेगा ही विद पबजी, बट अगर बात करो विदाउट पबजी यार तो HNY बिल्ड और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, विदाउट पबजी अप्रॉक्स आपका 7.5 8 घंटे निकलेगा ही SOT आराम से, क्योंकि पबजी ज़्यादा वाइज जो भी बंदा खेलता है तो गेम बेक बहुत हैवी है, बहुत हैवी गेम है, और प्लस उसकी वजह से जो आपकी बैटरी है वो फटाफट कंज्यूम होती है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट टू मिनट चीज़ लग जाती है कि भाई थोड़ा तो इफिशियंट नहीं है। यही बीटा 17 होती तो इतना बैटरी कंज्यूम नहीं होती कि 15 मिनट में 6 से 7% कंज्यूम होगी, नहीं होती 15 मिनट बीटा 17 अप्रॉक्स 3 से 4% लेती, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स और अब आप सोच रहे भाई इतनी क्यों कंज्यूम हुई, इतनी इसलिए कंज्यूम हुई क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें रन हो रही थी, आपका FPS भी बैकग्राउंड में रन हो रहा था, फ्लोटिंग विंडो ऑन थी, और दूसरा आपका CPU को जो मॉनिटर जो एनालाइज करता है वो भी बैकग्राउंड में रन हो रहा था, तो ये भी एक रीज़न है कि बैटरी इतनी कंज्यूम क्यों हुई, ठीक है। तो पूरा गाइस मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि रोम को यूज़ ना मत करो, सब कुछ पॉइंट टू बी नोटेड आपको बता रहा हूँ, बाद में मुझे कमेंट में ये ना बोलो कि भाई आपने तो कुछ भी बोल दिया और हम वो थोड़ा ना मानेंगे यार, तो सब कुछ आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि उस बैटरी कंज्यूम होने का रीज़न क्या था, ज़्यादा बैकग्राउंड में सब कुछ रन हो रहा था प्लस आपकी इतनी हैवी पबजी गेम, तो 15 मिनट में 6 से 7% ड्रेन होना थोड़ा ज़्यादा है बट स्टिल ठीक आप कह सकते हो। मैं आपको दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर पबजी के साथ रिसोम के साथ जाओगे ना यार अगर आपको फिर बैटरी थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं साफ आपको बात क्लियर कर देता हूँ, रादर इम्प्रूव हुई है थोड़ी बैटरी इम्प्रूव हुई है HNY बिल्ड से बट उतनी नहीं, सो वही बात है अगर जो ज़्यादा पबजी खेलता है वाइट भाई और जिसको परफॉर्मेंस तो मिल ही रही है बीटा 17 ने बट
बैटरी को ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए बेटा 17 सबसे बेस्ट रहेगी, उसके लिए सूटेबल रहेगी। बट जो ज़्यादा पबजी, हाँ कभी कभार खेल ली ठीक है, उसके लिए रोम सबसे सबसे बेस्ट का क्या, सबसे परफेक्ट होगी गाइस। तो टोटल ये गाइस मेरा ओएस का रिव्यू था भाई, यूज़ करो डे ड्राइवर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर पबजी विद दिस रोम गाइस, इफ़ यू वॉन्ट अ गुड एंड डिसेंट बैटरी का विद पबजी, देन गाइस इन माई ओपिनियन यू शुड चूज़ बेटा 17। वो आपके ज़्यादा प्रेफरेबल है मेरे हिसाब से, और रादर कोई विदाउट ज़्यादा गेमर नहीं है, ज़्यादा पबजी नहीं खेलता भाई। हाँ कभी कभार के लिए ठीक ठाक है, जो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा है भाई पबजी के साथ अपनी बैटरी कब, उसके लिए रोम सबसे परफेक्ट है यार। रोम में कोई कमी नहीं है, बट थोड़ी है यार कि बैटरी बैकअप उतनी इफ़िशियंट नहीं है। ये इसका टॉपिक था इस वीडियो का, ओएस का, क्योंकि परफॉर्मेंस हर ओएस में अच्छी है, HNMI बिल्ड में भी अच्छी है आपकी। बट अगर कंपेयर करोगे ना इसको और स्टॉक रोम के साथ, तो भाई स्टॉक रोम में थोड़ी अच्छी बैटरी बैकअप है इससे ज़्यादा। आप एंड्रॉयड क्यू की बात कर रहा हूँ, जो मैं पाई की बात नहीं कर रहा, उसमें भी थोड़ी अच्छी अच्छी खासी बैटरी बैकअप है इस बिल्ड से, बीटा 8 से। सो आप पे डिपेंड है गाइस, मैं दोबारा एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। हाँ OP7 की बिल्ड्स अच्छे थे, बट पहले जब से एमॉक्सन ने इसको बिल्ड आई मीन पोर्ट करना स्टार्ट करा है, तो बहुत बढ़िया हो चुके हैं OP7 के बिल्ड्स। ठीक है वो तो इतना टॉपिक नहीं है, मेन था कि बैटरी बैकअप कैसी रहेगी आपकी नई बिल्ड की, ठीक है, बट उतनी इफिशियंट इतनी खास नहीं है। आपको अच्छा खासा SOT निकाल देगी विद PUBG 6.5 आयर का मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट मत करो। विदाउट पबजी इजिली 7.5 आपका निकलेगा ही, 7.5 घंटे का SOT ईजिली निकलेगा। अगर आपको थोड़ी और बैटरी बैकअप चाहिए विद पबजी, तो बीटा 17 सबसे बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। नहीं तो भाई आप स्टॉक भी चले जाओ, नहीं तो कोई और रूम इंस्टॉल कर लो। और जो भाई नॉर्मल यूजर्स है ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते, उनके लिए सबसे बेस्ट बिल्ड है ये मेरे हिसाब से, सबसे बेस्ट बिल्ड जो OS का अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट। परफॉर्मेंस तो क्या बताऊँ यार, बट थोड़ी अगर बैटरी के सेक्शन में ऑप्टिमाइज होती तो मज़ा आ जाता। तो गाइस अगर वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। गाइस डोंट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम, टेलीग्राम लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। और रिव्यू की तो है इसमें, इंस्टॉलेशन वीडियो भी आपको इसमें इंक्लूड मिल जाएगी। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।